लेंस पूरा गंदा हो गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। कुछ भूल गया क्या गोलू? दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी और अजय जयपुरी आप सबका स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। अभी बहुत सारा काम है। कल जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो ना, उस समय मैं क्या कर रहा हूँ गोलू? प्लेन में उड़ रहा हूँ। उड़ रहा हूँ। बहुत सारे भाई लोग बोल रहे थे कि आप दिल्ली जा रहे हो तो क्या मैं जा रहे हो, राइड करके जा रहे हो क्या? तो दिल्ली राइड करके नहीं जा रहा हूँ, मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ। और दिल्ली से मैं इंदौर जाऊँगा तो इंदौर में हो सकता है एक वीकेंड राइड होगी मेरी। तो बने रहिए चैनल में, नेक्स्ट व्लॉग्स में, आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसा कैसा क्या एक्साइटिंग होने वाला है। 10 दिन के लिए मैं निकल रहा हूँ अभी, तो कहीं भी जाने से पहले का जो एक्साइटमेंट होता है ना, जो एक क्या बोलते हैं बोलो उसको, गुदगुदी सी जो लगती है, वैसा कुछ लग रहा है। क्या पैक करूं, क्या पकड़ूं, क्या नहीं पकड़ूं, ऐसा टाइप का लग रहा है। और एक वीकेंड राइड हो सकती है, इसीलिए ना बोलूं मेरे को ना राइडिंग हेलमेट हेलमेट भी लेके जाना होगा यार। जैकेट वगैरह उसको कैसे लेके जाओगे? हेलमेट के साथ ना राइडिंग जैकेट भी लेके जाना होगा। ओके, ये वाला बैग इस बार काम आएगा। जो मैं बिलासपुर गया था बोलूं तो जीटी फाउंडेशन के भाई लोग वाला बैग गिफ्ट किया था ना, ये वाला बैग अभी अच्छा काम आएगा। ये क्या क्या निकल रहा है पापा बैग से? ये जब बिलासपुर, इसको नहीं बताते हैं, होटल से ब्रश और मैं ये सब जहाँ रुका था वहाँ से ये सब मैं रख लिया था बैग में, अगले ट्रिप में काम आएगा बोल के। वैसे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमारे ही लिए रहता है होटल रूम में, तो ये जो छोटा छोटा चीज़ रहता है इसको हम लोग लेके जा सकते हैं। होटल में छोड़ देंगे तो इसको वो लोग डस्टबिन में डाल देंगे, उससे अच्छा है कि तो मैं ये रख लिया था, इस ट्रिप में भी काम आएगा। अच्छा एक और बात बता रहा था, आप लोगों के सपोर्ट से याद आया, जैसे कल वाले वीडियो में आप लोग सपोर्ट किए चैनल मेंबरशिप के बारे में। मैं जब भी सोचता हूँ कि यार भाइयों का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप लोग हमेशा सपोर्ट करते हो। जिससे मैं जॉब क्विट करने का डिसीजन लिया था, उससे मैं ये बताने से पहले बहुत सोच रहा था कि क्या बोलेंगे भाई लोग, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेकिन उसमें भी आप लोग इतना सपोर्ट दिखाए, क्या बात। मैं सही में बहुत लकी हूँ कि आप लोगों का इतना सपोर्ट मिलता है मेरे को। कंपार्टमेंट अलग है, ये कंपार्टमेंट अलग है, ये वाला कंपार्टमेंट अलग है। मैं चुप के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। बनकर कैसे हुआ, कब हुआ? हो गई पैकिंग वगैरह कंप्लीट। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के 12:37 हो चुके हैं और आज तारीख हो चुकी है 19, और आज ही सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है। क्योंकि मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ तो दिन में बहुत सारे काम थे जो निपटाने थे, तो आज व्लॉग करने का बिल्कुल ही समय नहीं मिला। लेकिन डेली एक वीडियो आना चाहिए, इस तरह के बहाने नहीं चलेंगे कि मैं आज बिजी था ऐसा वैसा। तो मैं सोचा कि इतने कम समय में क्या किया जाए, तो एक क्वेश्चन आंसर ही कर लेते हैं। और मैं इतने धीरे से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि गोलू सो रहा है। मैंने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाल के आप लोगों से क्वेश्चंस मंगाया, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, देखते हैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। प्रतीक भाई पूछ रहे हैं कि सर दिल्ली के बाद जयपुर होकर जाओगे क्या? बिल्कुल कुछ भी डिसाइड नहीं है, दिल्ली में लगभग 3-4 दिन का समय है हमारे पास में। मेरे साथ में मेरे एक प्रिय मित्र भी जा रहे हैं दिल्ली, आप लोग गेस करिए कि कौन जा रहे हैं मेरे साथ में दिल्ली। और जो जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किए हैं अभी तक, उनको पता चल भी चुका होगा, मैं स्टोरीज के माध्यम से अपडेट कर दिया होगा। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब से भी पहले वहाँ पे सारे अपडेट्स आ जाते हैं। सो अभी जयपुर का फिक्स नहीं है प्रतीक भाई। आई एम साहिल खान पूछ रहे हैं कि सर दिल्ली कौन से रूट से जा रहे हो? विया वाराणसी। तो दिल्ली में अभी बाई एयर जा रहा हूँ। इस तरह के बहुत सारे DMs आए थे कि सर आप कौन से रूट में जा रहे हो, इस तरफ से जा रहे हो तो मिलते हुए जाना करके। तो इस बार दिल्ली में बाई एयर जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर बाई रोड जाता हूँ तो जरूर मुलाकात करेंगे। प्रतीक भाई पूछ रहे हैं भाई RR 310 कितना माइलेज देती है? लगभग 30-32 का माइलेज दे रही है प्रतीक भाई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 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 कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। विकी भाई पूछ रहे हैं हाउ इज योर हंट फॉर न्यू हाउस गोइंग? अभी सर्च नहीं कर पा रहा हूँ विकी भाई, मेरे को करना है, चेंज करना है वाला घर, काफ़ी ज़्यादा छोटा पड़ रहा है हम लोग को। एक स्टूडियो स्पेस भी चाहिए, कोई आते हैं तो बैठाने तक के लिए जगह नहीं है यहाँ पे। तो अभी मैं दिल्ली से आऊँगा, उसके बाद फिर हाउस चेंज करना है, घर चेंज करना है, एकदम फर्स्ट प्रियोरिटी पे है ये। रोहित जी पूछ रहे हैं कैन यू क्रिएट अ वीडियो ऑन मैनेजिंग डाटा स्टोरेज एज हाउ डू यू मैनेज योर स्टोरेज व्हाइल यू ट्रैवल? मैं वीडियोस एडिट करने के बाद में डेटा डिलीट कर देता हूँ। कुछ कुछ राइड्स, जैसे भूटान की राइड होगी, तिरुपति की राइड होगी, कुछ बहुत ही खास राइड्स होती हैं, उनका मैं डेटा संभाल के रखता हूँ, रॉ डेटा। बाकी सब एडिट करने के बाद में एडिटेड फाइल में संभाल के रखता हूँ, बाकी डिलीट कर देता हूँ। अगला प्रश्न है, रॉयल प्रसून जी पूछते हैं गुजरात ट्रिप का क्या हुआ मालिक?
प्रसून भाई, ये ट्रिप अभी पोस्टपोन हो गया है। लास्ट मंथ ही मेरे को करना था, बट किसी कारण से, आप लोगों को पता ही है कि किस कारण से नहीं कर पाया। जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर आऊँगा गुजरात, गुजरात और राजस्थान। राजस्थान में जयपुर भी जाना है मेरे को, जैसलमेर जाना है, बहुत सारी जगह हैं। बस उसी के लिए चल रहा है, काम चल रहा है। और जब ऊपर वाला चाहेगा कुछ फंड वगैरह, मुद्रा वगैरह भेजेगा तो बिल्कुल आएंगे। सो आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी से वीडियो एडिट करके डालना है, सोना है, उठना है और फिर निकलना है दिल्ली के लिए। राइड सेफ, ऑलवेज वेयर हेलमेट। जय हिंद, जय भारत।